मतलब हमारी गली के अंदर आकर तुम हमसे ही शोर करोगे, हमसे लड़ोगे हमारी गली के अंदर आके। तो क्या हाल है भाई आप सबके। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, मैंने लगा दिया था अपने YouTube के चैनल पे हैंड ब्रेक, लेकिन मेरे हैंड ब्रेक के लीवर को तोड़ दिया है हमारे एलेक्स भट्टी भाई साहब, हमारे जो TikTok के बहुत बड़े स्टार बनते हैं उन्होंने, तो मेरे हैंड ब्रेक को तोड़ दिया है। और मैं अपने इस चैनल पे अब हर तरह का कंटेंट डाला करूँगा सिर्फ इनकी डिस रैप की वजह से। अब इन्होंने एक डिस रैप बनाया है माशाल्लाह से, अब वो डिस रैप इतना मैं तो बार बार सुने जा रहा हूँ, सही है, और आपको भी चाहिए कि आप भी सुने। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने डिसलाइक्स का, पहले सुनते हैं चल के कि इन्होंने बनाया क्या। एक मिनट, ये ताशे खरीद के लाया था मैं, ये ताशे पहले हम ये लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो, हाँ भाई थोड़ा सा ये लगा दूँ मैं इधर ना, कि जरासीम बहुत हैं उसमें, तो ये थोड़ा मैं सैनिटाइज़र लगा दूँ पहले, ख़त्म हो गया था घर में तो ख़रीद के लाया। चलो भाई आँखों पे भी लगा थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, क्रिएटोन स्टूडियो की तरफ से ताज़ा तरीन नशरी। इतना खर्चा तुमने वीडियो बनाने में किया है, अगर यही खर्चा तुम अपने एलेक्स भट्टी की अलाइनमेंट में कर देते, ये जो ये है, तो भाई तुम्हारे ऊपर इतनी जो है वो बनते ही नहीं रोस्ट, इतनी जो है तुम्हारे ऊपर ये जो तुमने वीडियो में खर्चा किया, अगर तुमने अपने ऊपर किया होता अपनी अलाइनमेंट पे, तो जो है तुम्हारे ऊपर इतने रोस्ट ना बनते। याद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है वसीम खुबानी। वसीम खुबानी तो सही है, तुम कौन है? छुआरे टिकटॉक के म्यारी वक्त के मुताबिक कुछ यूट्यूबर्स के 12 बजने वाले हैं, कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड और टॉलीवुड वालों की चॉलीवुड होने वाली है, और बाकी टिकटॉकर्स। अबे 12 तो तुम्हारे बज गए, डिसलाइक देखो अपने जाके, माशाल्लाह भी बोल देना एक बार, नजर न लगे साइलेंसर के मुंह वाले। ये रैप नहीं बकवास है, तुझको यही लगेगा, पर एक जरूरी बात है जो सुनना भी पड़ेगा तुझ। ये जैसे लात मारी है ना ऐसे ही करके, अगर उसके अब्बा इसको लात मार देते बचपन में ही जब ये पैदा हुआ था, तो आज इतनी कंट्रोवर्सी ना होती, इतने डिसलाइक का रिकॉर्ड ना बनता, और डकी भाई कैरिम नाटी को नया कंटेंट ना मिलता, इतनी जलालत ना होती इसकी, इसकी इतनी बेइज्जती ना होती, इसके मुंह पे इतनी लानतें ना भेजते लोग, और 2500 कमेंट लानतों के इसकी इस वीडियो पर ना आते। और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन इतनी ही मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, शुक्रिया। को मालूम भी है कि तेरे मिलियन में व्यूज है, फिर भी बच्चों का खाता कोई शर्म करेगा, तेरी उल्टी पुल्टी सारी वीडियोस को मैं एल करूँ, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ जो के लाइक्स पे डिपेंड करूँ, तेरे जैसा नहीं हूँ जो के लाइक्स पे डिपेंड करूँ। मैं दुनिया में जीता हूँ, खाता हूँ, पीता, I don't think you are special, जो मैं तेरे जैसा ड्रेस करूँ। मेरी YouTube वालों से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक ऐसे लोगों को YouTube से बैन करें, और इनका जो है पॉपकॉर्न वाले जल्दी चले जाओ, वीडियो बना रहा हूँ। काफी हुई चीत बात बातचीत, सॉरी हो गई मेरी लाइन खराब, देख तू हॉट टॉपिक नहीं है, इवन टॉपिक भी नहीं है, चल तू पोकट, मैं बिकने वाला लॉलीपॉप है, सही है। एक बंदा आराम से अपनी जिंदगी जी रहा होता है बगैर किसी कंट्रोवर्सीज में पढ़ने के, और अपने व्लॉग्स बना रहा होता है, अपनी फिल्म बना रहा होता है, और वो मजे कर रहा होता है अपनी लाइफ में, फिर आ जाती है ये वाली डिसरैप्स, ये वाली वीडियोस जो आके एक आम इंसान की शराफत को उसकी शराफत छोड़ने पर मजबूर कर देती है। अब तुमने उंगली की है तो बदबू तो आएगी,
तो अब सुनो इस बदबू को। उन्हें रखा है नाम अपने कैरी मिनारी, यू गॉटा लुक स्ट्रेट बेरा आई एम इल्यूमिनारी। जिस ख्वाब को तू जी रहा है वो ड्रीम बैड है, तू जिसका रैप सुन रहा वो तेरा एक्चुअल डैड है। बैड है, तूने बोला टिकटॉक के बारे में जो बैड है। सब होती है कुछ लोगों को चलती साइकिल में डंडा देने की आदत, और फिर उसके बाद बोलते हैं हाय हमारी तो किस्मत ही खराब है, लोगों को टैलेंट की कदर ही नहीं है। अबे टैलेंट लाओगे तो टैलेंट की कदर होगी ना बवासीर। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लीन। तूने किया लोगों को यहाँ पे सैड है, टिकटॉक ना होता तो क्रिंज तेरा खत्म था, उन्हीं की वजह से चलता तेरा एड है। अबे अब वो तेरे पे मैड है, याद है तूने किया उन्हें सैड, तू गाने लिख थोड़े कर रेटिंग पे फोकस, ये बैरल ऑफ द रैप नहीं बैरल ऑफ द ऐप है। तो कैसे हैं आप? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। मेरी वजीर आजम से जो है वो दरख्वास्त है, एक खास तौर पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि इन जैसों की मदद कर सके, इनको राह रास्त पे ला सके। ये आजा आजा आजा। मेरे तुमसे ना एक रिक्वेस्ट है एलेक्स बट्टी, अगर तुम मेरे एक दोस्त से ना मिलते होते ना तो मैं तुम्हारी ऐसी मारता ना तुम्हारी सोच। खैर इसको छोड़ो, तुम ये डिसरैप विसरैप छोड़ो, भी अच्छे बच्चों की तरह जाओ तरंग वालों से कॉन्टैक्ट लो, तरंग के ऐड में नाचो, पैसे कमाओ। ये डक्की भाई और कैरी मराठी से लड़के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यूट्यूब वालों से लड़के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम तरंग के ऐड में नाचो, तुम बाटा के ऐड में नाचो, तुम डेरी मिल्क के ऐड में नाचो, तुम पैसे कमाओ, लेकिन तुम ये डिसरैप ना बनाओ। मेरी बात मानो भाई, वाला मशवरा दे रहा हूँ तुम्हें। आम खाएगा आम, आम खाएगा आम। आम तो बेटा तुम लग रहे हो, अगर तुम्हारा छिलका उतार दिया जाए ना तो मैं घुटनी समेत ही खा जाएगा कोई, इतना मीठे लग रहे हो तुम मुझे। इसमें खाली फिल्म देखिए। सुनो सुनो ये कहानी है सुबानी मेरी जानी, तुम जैसे आते लाखों बार है, वन एंड ओनली बानी ऑफ द काइंड ऑफ द रैप। तरस आता है मुझे यार कसम से, इसलिए बनाया था अल्लामा इकबाल और कायदे आजम ने पाकिस्तान हमारे लिए, इसलिए देखा था ख्वाब ये चीज़ें निकल के आ जाए। अभी बारिश हुई है तो ये चीज़ें तो निकल जाती हैं मैंने माना, लेकिन भाई तुम अच्छा खासे लड़के लग रहे हो, मतलब अच्छा खासे नहीं तुम 80% लड़के लग रहे हो। क्यों अपनी इज्जत की वार्ड लगवा रहे हो, क्यों 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 लगवा रहे हो? तूने रखा है नाम अपने डाकी भाई, एक्टिंग लाइक अ बॉबी बॉय, तू टिकटॉक नहीं बनाता क्योंकि तेरी स्माइल फेक है, तू कुएं का मेंढक साले भाई पूरी लेक है, तू केक है भाई पूरी लेक है, तू केक है, तू केक है। सही है भाई वो केक है, लेकिन इस बात की मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, मुझसे ठंडी का स्टैम्प मंगवा के पेपर पर लिखवा दो, अगर तुम रात के 12 के बाद अलासिफ जाओगे तुम वापस नहीं आओगे, आज ये समझ बात। तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे जूते तुम्हारे घर पहुँच रहे होंगे, तुम इतने मीठे हो, बहुत ज़्यादा मीठे हो तुम, पता है तुम्हें, मतलब एक्स्ट्रा टॉपिंग की हुई है शुगर की तुम्हारे ऊपर किसी ने। तू मेंढक भी है, मेंढक भी है, मेंढक भी है, मेंढक भी है। आम खाएगा आम, आम खाएगा आम। और इसी के साथ आपका मेजबान वसीम खुबानी आपसे इजाजत। बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो यार, बहुत ज्यादा भाई। मैं कभी कुछ बोल नहीं सकता, अब हमारी खवातीन भी देख रही होंगी मुझे पता ही है, लेकिन तुम कभी अकेले में आओ तो तुम्हें मैं आम भी खिलाऊंगा, तुम्हें केक भी खिलाऊंगा और तुम्हें लेक भी दिखाऊंगा, और अलग से अगर जाना है तो बाइक पर पीछे बिठा के भी लेके जाऊंगा। खैर आज की वीडियो इतनी थी, और अब मैं इस चैनल पर हर तरह का कॉन्टेंट डाला करूँगा सिर्फ इन भाई की मेहरबानी की वजह से। तो भैया हमारी गली में आकर हमसे पंगा लेकर न्यू डिसलाइक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर तुम्हें क्या मिला? अगर अभी भी रिग्रेट कर रहे हो तो डिलीट कर दो, नहीं करना तो हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर तुम्हारी जो है वो मारते रहेंगे, तुम्हारी रहते रहेंगे। तो अलविदा कहना चाहूँगा मैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और इस तरह की और वीडियोज आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। बाकी ये मेरा रेंटर चश्मा है, जब भी मैं रोस्ट करूँगा तो ये मैं पहना करूँगा, तुम्हारी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। कैमरा अभी से बंद कर रहा हूँ। में हाजिर है वसीम खुबानी। टिकटॉक के म्यारी वक्त के मुताबिक कुछ यूट्यूबर्स के 12 बजने वाले हैं, कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड और टॉलीवुड वालों की चॉलीवुड होने वाली है,
और बाकी टिकटॉकर्स को।